सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो BTS मेंबर्स हैं उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल की एज क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी एज की गर्ल से वो इन फ्यूचर शादी करेंगे या अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। सो गाइस, मैंने इस पे इंडिविजुअली जितने भी मेंबर्स थे सभी के आइडियल टाइप ऑफ गर्ल बनाया हुआ है, इवन बहुत सारे पार्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो आप में से कुछ गर्ल्स थी जो बोल रही थी दी आपने उन पार्ट्स में एज के बारे में नहीं बताया, तो आप प्लीज़ एक वीडियो बना के ये बता दीजिए कि जितने भी BTS मेंबर्स हैं तो वो किस एज की गर्ल से इन फ्यूचर शादी करेंगे। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो हेलो गाइस, आई एम मेकिंग क्यूट बाइस, कैसे हैं आप लोग। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है, एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। एंड आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि गर्ल्स जनरेशन एक केपॉप बैंड है, जैसे ब्लैक पिंक है वैसे ही, तो ये भी बहुत पॉपुलर बैंड है एंड इस बैंड के भी बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स भी हैं। इवन इनमें जो गर्ल्स है वो कई के ड्रामा में भी देखी गई हैं एंड जिनका चार्म एंड ब्यूटी बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है, लाइक सबका ही है बट इनका भी बहुत स्पेशल है, चार्म है, ब्यूटीफुल है एंड स्मार्ट है, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन इनकी तरफ काफ़ी इजीली चला जाता है। इवन जो हमारे BTS मेंबर्स हैं उनका भी अटेंशन गर्ल्स जनरेशन के साइड गया हुआ है। आपको बता दूं कि एक टीवी एपिसोड यमन टीवी पर BTS ने रिवील्ड किया था कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उनके पास किसी भी एक सिंगल गर्ल ग्रुप का कोई भी नंबर भी नहीं है। ओके, जो मतलब आप देखते होंगे ना, बहुत बार गर्ल्स के साथ शिप कर दिया जाता है BTS मेंबर्स को, तो वहाँ पे उन्होंने साफ बोला था कि दैट इज़ नॉट फेयर, मतलब हमारे किसी से कोई डेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो शिप किया जा रहा है। जो उनके आर्मीज हैं उनको ये समझना चाहिए। एंड BTS ने ये भी रिवील किया था कि उनके पास अदर गर्ल ग्रुप का नंबर क्यों नहीं है, बिकॉज उनकी एजेंसी अलग होती है, उनकी कंपनी अलग होती है, बाकियों की कंपनी अलग होती है, सो दैट इज़ वाई। सो एक इंटरव्यूअर ने जब BTS से पूछा कि आप कौन से केपॉप गर्ल ग्रुप के क्लोज जाना चाहते हो, देन वहाँ पे शुगा एंड वी ने जवाब दिया कि वो गर्ल्स जनरेशन के क्लोज जाना चाहते हैं, वी ये वैसा वाला क्लोज मत ले लेना एज अ फ्रेंड के तौर पर। ओके, जिमिन एंड जिन ने जवाब दिया कि वो रेड वेलवेट के गर्ल्स के क्लोज जाना चाहते हैं, एंड हमारे मैकनी जंगकुक आईयू के क्लोज जाना चाहते थे। सो इंटरव्यू में उन सब ने ये सभी चीज़ें रिवील की। सो ये सब बताने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि वो क्लोज एज अ फ्रेंड जाना चाहते हैं, उनका अभी कोई डेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड एज वी नो कि मतलब जो केपॉप बैंड होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो जब तक वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकलते हैं तब तक दे कैन नॉट मैरिज, दे कैन नॉट डेट टू समवन, ये मतलब उनका रूल्स होता है। ओके, सो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि कौन सी एज ग्रुप की गर्ल से BTS मेंबर शादी कर लेंगे इन फ्यूचर। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि सभी का अलग अलग थिंकिंग होता है इस चीज़ पर, सभी का अलग अलग थॉट होता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आप अभी है 15 इयर्स के, लेकिन आप जब 18 के हो जाएंगे तो उसके बाद आप चाहेंगे कि अगर आपका होने वाला स्पाउस 25 का भी है तो चलेगा या 30 का भी है तो चलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उनसे यंगर पसंद होते हैं ना, उनके स्पाउस या उनके गर्लफ्रेंड, तो इसमें सभी के जो थिंकिंग है, सोच है, अलग अलग है। तो इसी तरह हमारे जो BTS मेंबर है वो भी ह्यूमन है, तो उनका भी अलग 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 ही आंसर है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जिन के बारे में बताती हूँ कि वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर वाइफ या गर्लफ्रेंड के बीच, मतलब उन दोनों के बीच 5 साल तक का भी अगर एज गैप होगा तब भी चलेगा। वैसे ज़्यादातर जिन चाहते हैं कि वो किसी यंगर गर्ल को अपनी वाइफ बनाए या अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, तो यस, अगर मतलब 5 ईयर्स तक का गैप होगा तो चलेगा। ओके, लाइक 5 ईयर्स तक यंगर अगर वो गर्ल, एंड अगर 2-3 ईयर्स उनसे ओल्डर भी है तब भी चलेगा, बट वो ज़्यादा प्रेफरेंस यंगर गर्ल को देना चाहते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब RM से पूछा गया कि उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए, देन इस पे RM ने बोला कि एज जस्ट एज अ नंबर। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप बोल रहे हो वीडियो नहीं बनाया है, ओके आप देख लेना। वैसे मैंने BTS के आइडियल टाइप ऑफ गर्ल पे भी वीडियो बनाया है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताया है, तो वो भी आप देख लेना। ओके, सो RM ने बोला कि एज इज़ जस्ट अ नंबर,
सो उनको एज से कोई परवाह नहीं है। अगर गर्ल उनसे एज में बड़ी भी हुई तब भी डजेंट मैटर, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और छोटी भी हुई तो यंगर भी चलेगी, बट उतनी ज़्यादा यंगर भी नहीं चाहिए, मतलब बच्ची सी है। जैसा आप मैं से बोलते हो ना, मत की दी अभी मैं 12 ईयर्स की हूँ, बाबू पढ़ाई पर ध्यान दो, स्टडी पर ध्यान दो, ओके। के बाद हार्ड वर्किंग करना, सब कुछ करना, देन आप BTS के आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के जैसे बन जाओगे, एंड देन मिलना। ओके, सो जे होप से जब इस चीज़ के लिए पूछा गया तो जे होप ने इस पे जवाब दिया था कि यू नो मेरी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल में एज इम्पोर्टेंट नहीं है, लव इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे किसी गर्ल से लव हो गया तो मैं ये नहीं देखूंगा उसकी एज कितनी है, बट अगर लव हो गया तो आई विल मैरी विद हर, या मैं उसको गर्लफ्रेंड बना लूँगा। गाइस, शुगा से जब उन यू नो एज के बारे में पूछा गया उनके आइडियल टाइप ऑफ गर्ल की, तो शुगा ने तो नहीं बताया, लेकिन बाकी जो उनके मेंबर्स है यू नो BTS जो मेंबर्स है बाकी, उन्होंने रिवील किया कि शुगा को यंगर गर्ल्स पसंद है, लेकिन हो सकता है कि उनको ओल्डर गर्ल्स भी पसंद हो, एज मतलब शुगा को ओल्डर गर्ल्स पे क्रशेस थे पहले, है ना, जो एक्ट्रेस थी यू नो हॉलीवुड एक्ट्रेस। ओके, सो अगर हम यू नो चिमचिम की बात कर रहे हैं, मोची की बात कर रहे हैं जिमिन की, कि उनको कैसी एज की गर्ल पसंद है, तो इसमें जिमिन ने बोला था कि अगर उनसे कोई 1-2 साल तक की बड़ी हुई गर्ल तो मतलब ही कैन डेट और ही कैन मैरी विद हर, लेकिन अगर उनसे कोई 5 साल तक की भी यंगर हुई ना तब भी ही कैन मैरी विद हर, लेकिन मतलब अगर उनसे ओल्डर बस 2 साल की हुई, 1 या 2 साल की, तब चलेगा, 1-2 साल से ज़्यादा नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा 5-6 साल तो वो जिमिन ऐसी गर्ल को प्रिफर नहीं करेंगे। एंड हाँ, अगर उनसे 5 साल तक की यंगर है ना, देन भी वो कर लेंगे प्रिफर। ओके, आप में से ज़्यादातर गर्ल्स का क्वेश्चन वी के बारे में ही आ रहा था कि दी वी के बारे में बताओ आप कि वी को कैसी एज की गर्ल चाहिए, तो वी से जब पूछा गया ना एज के बारे में, तो उनका भी जो जवाब था वो बिल्कुल आर्यन के जैसा था। उन्होंने भी बोला कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज बस एक नंबर है, और एज मतलब सच में उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इट्स नॉट रियली मैटर। लेकिन हाँ, वो भी यू नो यंगर गर्ल को ही प्रिफर करेंगे इन फ्यूचर, एक प्रिफर कर सकते हैं जो यंगर गर्ल्स हैं उनसे, लेकिन उन्होंने बोला कि एज जस्ट अ नंबर, तो उतना ज़्यादा एज को लेके वी का कोई वो नहीं है, लाइक यंगर ही होनी चाहिए, ओल्डर नहीं होनी चाहिए, या ओल्डर ही होनी चाहिए, लाइक कोई भी एज गर्ल चलेंगी। ओके गाइस, तो अगर हम यू नो जंगकुक की बात कर रहे हैं, तो जंगकुक से जब पूछा गया था कि यू नो कौन सी आइडल एज को प्रेफर करेंगे इन फ्यूचर, तो इस पे जंगकुक ने बहुत शर्माते हुए जवाब दिया था कि उनको ना ओल्डर गर्ल्स पसंद है, ओल्डर गर्ल्स इसलिए पसंद है उन्हें सो दैट वो जंगकुक को नूना कह के बुला सके, है ना। बट जंगकुक यू नो यंगर गर्ल को भी प्रेफर कर सकते हैं, उनको यंगर गर्ल्स भी पसंद है, एंड आई थिंक जंगकुक को इसलिए भी ओल्डर गर्ल्स पसंद है बिकॉज उन्होंने काफ़ी यंगर एज में अपने करियर के का स्टार्टअप किया था, तो ही वॉन्ट कि मतलब कोई ऐसी हो जो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे, सो दैट इसलिए उनको यू नो ओल्डर गर्ल्स ज़्यादा पसंद है। बट ऐसा नहीं है कि उनको यंगर गर्ल्स पसंद नहीं, उनको यंगर गर्ल्स भी पसंद है। सो गाइस, आई होप कि आपके जितने भी डाउट है एज को लेके, हमारे BTS मेंबर्स की आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के एज को लेके, वो सब क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।